जबकि मेरी तबीयत ख़राब थी थोड़ी, मतलब इतनी ये नहीं थी, लेकिन मैं काफ़ी 23 को मेरा फाइनल था सिंगल स्कल का, मैं सिंगल स्कल इवेंट था मेरा, तो 23 को फाइनल था, तो उस दिन मैं थोड़ा बीमार था, तो जैसे बोट हम पुश कर रहे थे पानी में, तो उसी टाइम मेरी बोट का थोड़ा तांत्रिक बिगड़ की वजह से पलटी हो गया, मैं वहाँ पर पानी में डूब गया, पानी में डूबने की वजह से कान में और नाक में पानी चला गया, तो पानी जाने की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स आ गए। रेस के दौरान मतलब मेरे दोस्त थे पार्टनर मेरे, तो उन्होंने हाथ लगा के देखा बॉडी को, तो काफ़ी मतलब तेरे को बुखार है फिर भी कर सकता है क्या? मैंने बोला मैं 100% कर सकता हूँ और जीतेंगे तो हम गोल्ड ही जीतेंगे, तो हमने मतलब पूरा वादा करके गए थे और जो वादा हमने पक्का अच्छे से निभाया, हमने क्वाड्रपल में अच्छा मेडल लिया और काफ़ी खुशी हो रही है इस चीज़ में। जो यहाँ प्रॉब्लम हुई, जो ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, ये आगे वाले कॉम्पिटिशन में नहीं करना पड़ेगा, इसलिए फिर और स्ट्रांग हो जाएंगे, माइंडली मसल सब कुछ चीज़ें स्ट्रांग करेंगे, फिर अगले कॉम्पिटिशन में लड़ेंगे। प्रतियोगिता में मतलब काफ़ी हार्ड था कॉम्पिटिशन और हम भी काफ़ी प्रैक्टिस करके गए थे और हमारी मेहनत रंग लाई इस बार, काफ़ी अच्छे मेडल आए इंडिया को, गोल्ड मिला हमें, 2 ब्रॉन्ज मिले और वहाँ पे मतलब काफ़ी अच्छा रहा हमारा एक्सपीरियंस जितना भी रहा वहाँ। क्या कुछ तैयारी आपने? सर तैयारी यहाँ पे जनवरी से लेके हम अभी तक एशियन गेम्स तक कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रहे थे, फॉरेन कोच और फेडरेशन के जो कोच थे सारे और आर्मी के जितने भी कोचेस थे उनके अंडर में, और काफ़ी कड़ी मेहनत करके गए थे यहाँ से हम, और जो जिसका मतलब मेहनत का फल मिला हमें सभी को। अभी आगे की क्या प्लान? आगे सर एशियन चैम्पियनशिप आ रही है अगले साल और 2020 में ओलंपिक का हमारा एम है कि मेडल निकालें इसमें ओलंपिक में।